हेलो फ्रेंड्स, मैं वनिता प्रसाद। आज मैं आपको लेफ्ट ओवर बॉइल्ड राइस को फ्राई करके दिखाती हूँ, वो अपने तरीके से। तो आइए देखते हैं उसके लिए क्या क्या सामान। सबसे पहले ये मैंने बॉइल्ड राइस लिया है जो कि मेरा बचा हुआ था। आइए अब इसमें फ्राई करने के लिए हम लोग लेंगे जीरा और ग्रीन चिली। इसमें सब्जियां डालने के लिए लेंगे गाजर, पत्ता गोभी, कैप्सिकम, मिराकल मसाला पाउडर, ये ऑप्शनल है, ये ओनियन, ये धनिया पत्ता, सॉल्ट और बनाने के लिए ऑयल। तो आइए अब हम लोग फ्राइड राइस, जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाएगा उसमें 2 चम्मच के आसपास ऑयल डालेंगे। मैंने ऑयलिव ऑयल डाला है, आप घी या रिफाइंड ऑयल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जीरा को डालेंगे और क्रैकल को आने देंगे। जैसे ही थोड़ा सा क्रैकल आ जाएगा तो इसमें हम लोग ग्रीन चिली को डालेंगे और फिर ओनियन डालकर हम लोग थोड़ा सेमी गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए ये सेमी गोल्डन कलर का आ चुका है। अब इसमें हम लोग डालेंगे पत्ता गोभी, गाजर और कैप्सिकम, इसे भी 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसे आप ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसे क्रंची फिर रहने देंगे हम लोग। 1 टीस्पून सॉल्ट भी डाल देंगे ताकि इसका कच्चापन जल्दी चला जाए और क्रंची भी बना रहे। इसे 1 से 1.5 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम लोग मिराकल मसाला पाउडर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। तीस सेकंड चलाने के बाद इसमें अब हम लोग राइस को डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक हम लोग फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना यम्मी दिख रहा है। इसमें चूंकि सब्जियां मैंने डाला है इसीलिए आप वैसे भी खा सकते हैं। अब इसमें हम लोग टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी सॉल्ट डाल देंगे, क्योंकि मिराकल मसाला पाउडर में थोड़ा सॉल्ट रहता है, इसीलिए सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और ये मेरी राइस अब 1-2 मिनट के लिए फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम लोग थोड़ी सी धनिया पत्ता को स्प्रिंकल कर देंगे। और 30 सेकेंड तक चलाने के बाद अब ये खाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। तो आइए अब इसे हम लोग प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान था लेफ्ट ओवर फ्राइड राइस को बनाना, मेरी बताई ये रेसिपी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।